अगर आप ये मानते हैं कि कोरोना चला गया है और कोरोना अब नहीं आएगा तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कोरोना वापस आ गया है और बीते दो दिनों के अंदर कोरोना ने जिस तेजी के साथ रफ्तार पकड़ी है आपको समझने की जरूरत है। कल 14 लोगों की मौत कोरोना से हो गई थी और आज की रिपोर्ट के मुताबिक 5 लोगों की मौत हुई है। हो सकता है जब तक आप वीडियो देखें तब तक कोरोना के मामले ज़्यादा हो चुके हों। सबसे पहले मैं दिल्ली का जिक्र आपको लिए कर देता हूँ। दिल्ली के अंदर बीते 3 दिनों में केसेज 3 गुने बढ़ गए हैं। आज जितने केस सामने आए हैं 3 गुने केसेस हो गए, लगभग 1000 के आसपास केस सामने आ चुके हैं, जो पहले 250 के अंक में होते थे अब 1000 से ऊपर जा चुके हैं केसेस पिछले सिर्फ 3 दिनों के अंदर। देश के अंदर 15000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस वीडियो बनाने के दौरान तक हैं और देश के अंदर लगातार मौतें भी हो रही हैं कोरोना की वजह से। कोरोना के मामले जिस तेज़ी से बढ़े हैं, यानी कि जो पॉजिटिविटी रेट तेज़ी से बढ़ा है, उसका मतलब ये साफ है कि अगर आपने इसे वक्त रहते नहीं रोका तो ये बहुत तेज़ी से फैल जाएगा। आपने पिछले साल सुना था ओमिक्रॉन आया था, ओमिक्रॉन के कई वेरिएंट हैं, XBB 1.1 था, अब XBB 1.1216 ये एक नया वेरिएंट है जो इस वक्त लोगों को परेशान कर रहा है। इसके अलावा कई और दूसरे वेरिएंट्स भी जो लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर स्थिति ये हो गई है कि 3 दिनों के अंदर जब 3 गुना केसेस बढ़ गए हैं तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि दिल्ली की आबोहवा इस वक्त ख़राब होती जा रही है, ना सिर्फ दिल्ली की बल्कि देश के हिस्सों में भी यही स्थिति है, मुंबई में भी यही स्थिति है और कई दूसरी जगहों पर भी। तो अब आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। करना क्या है, वही करना है जो आपने पहले किया था। 6 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, हाथ धोते रहिए, दूरियां बनाए रखिए, यही कोरोना को रोक सकता है। इसके अलावा कोई ताकत नहीं है कोरोना को रोकने के लिए, बस हाँ वैक्सीनेशन। अगर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने वैक्सीनेशन की एक ही डोज़ लगाई उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं हुई लगवाने की, वैक्सीनेशन का डोज़ पूरा करिए। मैंने खुद पर्सनली 3 डोज़ लगवाई हैं, प्रिकॉशनली डोज़ भी मैंने लगवाई है, आप भी ये डोज़ लगवाइए। यकीन मानिए इससे कोई समस्या पैदा नहीं होती, किसी को कोई समस्या पैदा नहीं होती। और किसी अगर किसी को कुछ हुआ भी है वैक्सीनेशन के बाद तो उसकी वजह कोई और भी हो सकती है, किसी को पहले से कोई बीमारी रही हो, चांस की बात उस दिन उसने वैक्सीन लगवाई और उसके बाद वो दूसरी बीमारी सामने आ गई, हमने कहा कि वैक्सीन की वजह से ही दूसरी बीमारी हो गई, बट ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है, वैक्सीनेशन आपकी जिंदगी को बचाता है जबकि आपके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं कर रहा। तो सावधान हो जाइए, कोरोना फिर से लौट रहा है। 6 गज दूरी, मास्क है जरूरी और हाथ धोते रहिए, साथ ही साथ वैक्सीनेशन अगर आपका नहीं हुआ है तो वैक्सीनेशन कराइए। किसी भी छींक को, किसी भी खांसी को आप साधारण मत समझिएगा, क्योंकि यह वक्त एक बार फिर से बुरा हो चला है।